कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में जिद्दी खांसी का चैप्टर दिखाया, जो दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। जो मैंने आपको कहा था ना कि घर घर में ये हो गया, लोग खांसे जा रहे हैं, सर्दी है, ठीक नहीं हो रहे हैं। इस खांसी के पीछे मैंने आपको बताया था कि एक वायरस है जिसका नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपकी जो सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है उसके पीछे ये भाई साहब जो उसको जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से लोगों में तेज बुखार और कई हफ्तों तक खांसी की दिक्कत हो रही। लोगों को भी लगा कि जैसे जैसे वायरस का असर कम हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो वायरस और तेजी से फैल रहा है और इसलिए अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यही नहीं, अब यह वायरस और खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। मतलब पिछला जो हमने आपको चैप्टर खोल के बताया था और इस चैप्टर के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जो मुझे लगा कि आपको फिर से बतानी चाहिए। कुछ राज्यों में कई लोगों की मौत में यह बात सामने आई कि H3N2 वायरस की से वो पीड़ित थे और उसकी वजह से ही इन लोगों की स्थिति और बिगड़ी, ये दावा किया जा रहा है। और अब तक ऐसे 7 लोगों की बात कही जा रही है कि जिनकी मौत हुई उनमें यह वायरस भी मौजूद था। इसमें महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हुई जिसके अंदर यह वायरस भी था, पंजाब में, कर्नाटक में, हरियाणा में, गुजरात में। इसके अलावा इस संक्रमण की वजह से अस्पतालों में तेज बुखार और खांसी के मरीज 1.5 गुना बढ़ गए। दिल्ली के कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का सेटअप किया गया है। इन वार्ड्स में ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर रिजर्व किए गए हैं। सोचिए, इस वायरस के संक्रमण से खतरे का डर यह है कि पुडुचेरी में कक्षा KG से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 26 मार्च तक बंद कर दिया गया कि बच्चों को स्कूल भेजिए ही मत, इतना तेजी से यह फैल रहा है। पुडुचेरी में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 79 मामले दर्ज किए गए। यानी इस तैयारी को अगर आप देखेंगे तो लगता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए आपको, हमको, सबको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मौत के मामलों ने चिंता बढ़ा दी, जबकि कुछ दिन पहले तक था कि भाई ये इन्फ्लुएंजा वायरस कुछ दिन का बुखार है, 2-3 हफ्तों तक खांसी की दिक्कत होती है और उसके बाद ठीक हो जाता है, डेथ वेथ की बात नहीं थी। लेकिन अब जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो मरे उनके अंदर ये वायरस भी था, तो लोग टेंशन में आ रहे हैं, सरकारें टेंशन में आ रही हैं, तैयारी बढ़ गई है। अब इस इन्फ्लुएंजा वायरस ने कोरोना वायरस की भी लोगों को याद दिला दी। हालांकि इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस में बहुत अंतर है, लेकिन इसके संक्रमण का तरीका, शरीर में लक्षण एक जैसे हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सामान्य खांसी जुकाम, H3N2 वायरस और कोरोना वायरस के बीच का अंतर आपको समझा देता हूं। इन दोनों वायरस के बीच का अंतर समझा देता हूं ताकि आपका थोड़ा जो टेंशन है वो कम हो जाए। जैसे अगर आप देखेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण, और अगर इसको आप देखें कि एक होता है सामान्य फ्लू, सामान्य फ्लू, एक हो गया H3N2 और तीसरा हो गया कोरोना। अब किसमें क्या होता है जरा इसको समझते चलिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सामान्य फ्लू में शुरुआत में धीरे धीरे ये बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, सर्दी खांसी ये सब जो है धीरे धीरे बढ़े। H3N2 में क्या होता है, ये एब्रप्ट होता है, मतलब कुछ भी हो जाएगा, एकदम से तेज बुखार आ जाएगा, जुकाम हो जाएगा बहुत तेज। आजकल तो मैं सुन रहा हूं कई लोग बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को 104 बुखार चला जा रहा है, 104। मां बाप परेशान, क्या करें, नॉर्मल पैरासिटामोल दे रहे हैं तो उतर ही नहीं रहा। हमारे यहां दफ्तर में हो गया, कई लोगों को मैं जान रहा हूं ऐसा हो रहा है। अच्छा, कोरोना में क्या होता है कि ये खराश से शुरुआत होती है, शुरुआती लक्षण, और धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। तो इसमें जो है ना, एकदम से चीजें बढ़ जाने का हिसाब दिखता है H3N2। तो अगर एकदम से आपको बुखार आ रहा है, एकदम से सर्दी खांसी बढ़ गई है, तो H3N2 हो सकता है। अगर आप बुखार के लिहाज से देखें तो सामान्य फ्लू में बहुत कम रहता है,
ज्यादा बुखार नहीं जाएगा, 100 101 तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। H3N2 में तेज बुखार आता है, 104 तक चला जाता है, 104। और कोरोना में कहते हैं कि इसमें भी तेज आता है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों को 102 डिग्री तक आता था, इसमें H3N2 में 104 चला जा रहा है। भाई खांसी देखिए आप, तो मतलब अगर आपको 104 103 इस तरह का बुखार हो रहा है तो H3N2 हो सकता है, डॉक्टर को तुरंत दिखाई। सामान्य फ्लू जो है वो उसमें खांसी 4 से 6 दिन चलती है, H3N2 में जो है भाई ये 20 दिन तक खांसी जा ही नहीं रही है, आप खांसे ही जा रहे हैं। कोरोना में भी 14-15 दिन थी, ये उससे भी ज्यादा चला जा रहा है मामला, ये फर्क है। जुकाम सामान्य फ्लू में 4 से 6 दिन चलता है, H3N2 में भी 4 से 6 दिन चलता है, और कोरोना में तो बहुत कम चलता है। शरीर के में जो दर्द होता है सामान्य फ्लू में कम दर्द होगा, H3N2 वायरस है तो आपको ज्यादा दर्द होगा, और कोरोना में भी ज्यादा दर्द होता है। डायरिया सामान्य फ्लू में नहीं होता, H3N2 है तो बच्चों में डायरिया की शिकायत देखने को मिल रही है, कोरोना में भी डायरिया बहुत ज्यादा नहीं होता। स्वाद या महक चला जाना सामान्य फ्लू में तो नहीं होता, H3N2 में भी बहुत कम ऐसे केस हैं जिसमें स्वाद चला जाए या महक चली जाए, कोरोना में ये होता था। सांस फूलने लगना, तो सामान्य फ्लू में सांस नहीं फूलती, H3N2 में लंग्स में इन्फेक्शन पर निर्भर करता है कि कितनी सांस फूलेगी, कोरोना में तो बहुत फूलती। तो ये अंतर है तीनों में, सामान्य फ्लू में, H3N2 में और कोरोना में। तो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, लेकिन अपने हिसाब से दवा नहीं चलानी, उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाना है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से अब तक जिन 7 लोगों की मौत हुई है, जो कहा जा रहा है कि उसमें इसका भी रोल है, उनमें ज्यादातर लोगों में 2 वजहें सामने आई। पहली कॉमोडिटी यानी कॉमोर्बिटी यानी कॉमोर्बिडिटी यानी पहले से चल रही पुरानी बीमारी थी, इसके बारे में आगे बताऊंगा। और दूसरी वजह सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, SARI, आसान शब्द में कहा जाए तो लंग्स में इन्फेक्शन था। इसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, जिससे मौत भी हो जाती है। देश भर के अस्पतालों में भर्ती इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों में किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं वो भी समझिए। बुखार 92% को आ रहा है, खांसी 86% में, सांस लेने में दिक्कत 27% मरीजों को आ रही है, लंग्स में इन्फेक्शन 16% को हो रहा है, और ऑक्सीजन की जरूरत 10% मरीजों को पड़ रही है, और ICU ले जाने की जरूरत 7% मरीजों को पड़ रही है। भारत में अभी लगभग 35,000 मरीजों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हो चुकी है, लेकिन यह संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट की कीमत 3500 से 4500 रुपए है, 3500 से 4500 रुपए। तो अच्छा, सर्दी खांसी में लोग घर ही में इलाज कर ले रहे हैं, डॉक्टर के पास गए अपना लेके आ गए, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है देखकर जिस तरह से आसपास खबरें हैं कि हो तो बहुतों को रहा है। H3N2 वायरस सबसे ज्यादा जिन लोगों को, जिनको सावधान उससे रहने की जरूरत है, एक तो जिनकी पुरानी बीमारी चल रही है वो तो खास ध्यान, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट की बीमारी, गर्भवती महिलाएं, 5 साल से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इन सबको खास ध्यान रखना। इन लोगों में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है।